हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम बना रहे हैं सूजी का उपमा, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही आसान है बनाना। तो देखिए, बहुत ही कम सामान चाहिए, इसको आप टिफिन में आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप सूजी। तो जितना हम सूजी लेंगे उसका 3 गुना हम पानी लेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे मूंगफली के दाने लिए हैं मैंने, यहाँ प्याज कटी हुई ले ली है, और साथ में मैंने यहाँ पर ली है करी लीव्स। और उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है मटर ले लिया है, उसमें भिगो दिया है पानी में। ये है उड़द की दाल और ये चने की दाल। और साथ में बनाने के लिए हमने लिया है घी, आप चाहें तो इसे तेल में भी बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ कटी हुई हरी मिर्च ली है, नमक है, और यहाँ पे है ये सरसों दाना। हरी मिर्च आप नहीं डालें अगर आप इसको बच्चों के लिए बना रहे हैं तो। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई ले ली है, यहाँ मैंने गैस को चला लिया है। तो ये हेल्दी बनता है, इसके अंदर ज़्यादा घी या तेल यूज़ नहीं करते। तो ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर 2.5 चम्मच के करीब यहाँ पर हमने घी डाल लिया है। और जैसे ही गर्म होगा इसके अंदर हम सबसे पहले इसके अंदर हम डाल रहे हैं लगभग 1 चम्मच के करीब सरसों दाना, और साथ ही हम डाल देंगे यहाँ पर चने की दाल और उड़द की दाल, और इसको करेंगे थोड़ा सा सोते कि जो दाल के अंदर एक कचास है वो निकल जाए, उसका कच्चापन होगा वो निकल जाए। हल्की सी दाल सोते होने के बाद हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं 2 हरी मिर्च काटी हुई, वो इसके अंदर ऐड कर दिए, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो साथ ही मैंने डाल दिया प्याज वो इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। साथ में अब मैं डाल रहा हूँ कुछ 10 से 12 करी लीव, इनको ऐसा कोसली तोड़ लेंगे तो वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। हमने करी लीव पहले इसलिए ऐड नहीं करी तो एकदम से वो तेल में चटकती हैं और इसका इतना अच्छा फ्लेवर भी नहीं आता, वो जल जाती हैं। तो हमने ये करी लीव, तो यहाँ पर देखिए हमारी प्याज जो है हल्की हल्की सी सोते हो गई है, हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी यहाँ पर प्याज, क्योंकि हम कोई तड़का नहीं लगा रहे, हम एक ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। तो इसको बस इतना हल्का हल्का पिंक करना है। अब इसके अंदर मैं यहाँ ऐड करूँ थोड़े से मटर, आप चाहें तो कोई भी आप सब्ज़ी जो आपके घर में अवेलेबल हो वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि गाजर हो गई, बीन्स हो गई, आप कोई सी भी सब्ज़ी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हमारी सब्ज़ियाँ ऑलमोस्ट हो गई हैं, तो यहाँ पर हमने 1 कप सूजी ले ली है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। इसको इतना भूनेंगे ताकि इसका जो थोड़ा कच्चापन है वो निकल जाए, ज़्यादा एकदम ब्राउन नहीं करेंगे इसको। तो इसे ऐसी मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए हम 5 मिनट के लिए सूजी को भून लेंगे। देखिए यहाँ पर हम इसमें भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं, और ये अच्छा इसके अंदर अरोमा आ रहा है और कलर आ गया है। तो बस अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो हमने जिस कटोरी से सूजी ली थी उसी कटोरी से हम यहाँ पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ